इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इने मीन। ओके, इने मीन आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज नॉट ए इनेमीन, क्योंकि इनेमीन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, इनेमीन नहीं है, इनेमीन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनेमीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर नाइट्रोजन आए, दैट इज कॉल्ड इनेमीन वाला कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए बी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन है, उसके गैप पे आपको दिया हुआ है, तो दैट इज द इनेमीन। ठीक है, इनेमीन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गए तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं इन, और क्योंकि थ्री डिग्री अमीन्स भी आ गए तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं एमीन, और इन तीन उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल देते हैं इनेमीन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या है, वन डिग्री अमीन है। क्या है, वन डिग्री अमीन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये आपको दिया हुआ है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइनाइड भी है और आइसोसाइनाइड भी है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, नॉट इनेमीन, नॉट इनेमीन। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ना तो ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। आंसर क्या आएगा इसमें, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।